तो हम लोग जी पहुंच गए एयरपोर्ट के पास, सब समय आ गई है बोर्डिंग की और इस बीच में क्रियांश ने जो हमें भगाया है पूछिए। तो हम लोग बैठ गए जी फ्लाइट के अंदर और पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, भगवान ने जो है साथ दिया, क्रियांश ने साथ दिया है। अब बचा हुआ है 1.5 घंटे का फ्लाइट, तो हम लोग फैमिली बैठे हुए हैं जी वेटिंग एरिया में और अपना साथी मिल गया उधर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए जी कोची एयरपोर्ट, सुबह 7 बजे से निकले और अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं होटल। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल और क्रियांश यहाँ पे क्या देख रहे हैं यार, क्रियांश यहाँ पे फिश देख रहे हैं, फिश। हाय गबी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग हैं जी ट्रेन में और क्रियांश बैठा हुआ यहाँ विंडो के पास और इसको लेकर के जो सफर है बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। हम लोगों को अच्छा खासा मेहनत करवा रहा है, तो ट्रेन में जब इतना मेहनत करवा रहा है तो फ्लाइट में कितनी मेहनत करवाएगा वो तो आगे देखा ही जाएगा। वो तो क्या हो गया बाबा, कोई बात नहीं, हो गया। तो बच्चों के साथ सफर करने का भी एक अपना ही अलग मजा है। और अभी से हम लोग कुछ देर में जो है हम लोग पहुंच जाएंगे बागडोगरा रेलवे स्टेशन और वहीं से हम लोग फ्लाइट है और बाहर नजारा दिखाता हूँ आपको, अच्छा लग रहा है देख सकते हैं जी बाहर का नजारा। अभी तो अपना मुंह देख रहा है, तुम देख रहे हो चेहरा देख रहा है जी, ये कह रहा बाहर का नजारा मत देखो मुझे देखो जी। हाँ तो वो देखिए जी बाहर का नजारा तो काफी खूबसूरत सा लग रहा है। और ये टी गार्डन भी टाइप का देखिए, पूरा एकदम वो लगा हुआ है, चाय पत्ती लगा हुआ है। हाँ वही है सर, वही है। ओए ये देखिए यहाँ से अब अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला जब हो गया। हम लोग उतर गए हैं जी बागडोगरा रेलवे स्टेशन पर, तो देख सकते हैं जी यह है बागडोगरा रेलवे स्टेशन। तो हम लोगों को पता नहीं था कि बागडोगरा का भी रेलवे स्टेशन है, तो हम लोगों ने पहले न्यू जलपाईगुड़ी का टिकट कटवा लिया था, बाद में अपने एक दोस्त से मालूम चला कि यहाँ भी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जो है एयरपोर्ट काफी नजदीक रहेगा, तो हम लोगों ने टिकट कटवा लिया और क्रियांश फिलहाल यहाँ पर घूम रहा है और हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि फ्लाइट में अभी समय है, 3 घंटा का समय है, तो आराम से हम लोग निकलेंगे। तो फिलहाल हमने जी टोटो पकड़ लिया है, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टोटो वाली भाई साहब 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं 3.5 किलोमीटर के। कोई बात नहीं जी चलते हैं, ये सब सामान को जल्दी से रखा जाए चला जाए। ओए क्रियांश, क्रियांश क्या बोलने बात करता हूं, नहीं बात करेगा कोई बात नहीं बैठ जाओ। अभी हम रुक गए हैं कि बीच रास्ते में दिख गया यहाँ नारियल पानी का एक रेड़ी, यहाँ पर आकर के नारियल पानी ले रहे हैं। जिया का कल फास्ट था, कल था सोमवार ही, तो कुछ जो है नारियल पानी ले लेते हैं, जिया भी पिएगी हम भी पिएंगे, वैसे भी गर्मी अच्छा खासा है तो कुछ ठंडक पहुँचाएगा। तो इसका पानी तो पी लिया जी हमने और देख रहा हूँ इसमें मलाई भी अच्छा खासा है, तो भाई साहब को कहे मलाई निकाल देने के लिए और लगता है मलाई से ही अच्छा खासा पेट भर जाएगा। नारियल पानी जी सच में जी यहाँ का अच्छा खासा मीठा था और उसके अलावा तो अब हम लोग भर के एकदम इतना बड़ा नारियल हम लोग तो नहीं देखे हैं, हम फर्स्ट टाइम पिए, फर्स्ट टाइम ही हम लोग देख रहे हैं इस तरह का। थोड़ा मलाई देना ना उसको भी खिलाने यार, मजेदार तुम्हें भी खिला रही हूँ मैं। तो हम लोग जी पहुंच गए एयरपोर्ट के पास और हम लोग उतर गए हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ से सारा सामान सब लेकर के चलते हैं। अच्छा प्रियांश आ रहा है मेरी गोद में आना, लेकिन अगर हम इसको गोद में ले लेंगे तो इस सामान को लेकर के कौन जाएगा, जिया लेके जाएगी। चलो कोई बात नहीं तो चलते हैं फिर। तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर इंतजार करने के बाद अब समय आ गई है बोर्डिंग की और इस बीच में क्रियांश ने जो हमें भगाया है पूछिए मत, सिर्फ आपको नहीं मुझे भी भगाया, दोनों को मिलकर के अच्छा खासा भगा और सोच रहे हैं कि जब फ्लाइट के अंदर भागने की कोशिश करेगा जगह तो मिलेगा नहीं, खैर सी बातें गोद में रखना पड़ेगा तो क्या हाल करेगा ये भगवान जाने। बेटा सो जाना बस, सो जाना तुम, सो जाना बस।
घर में क्या होता है जी, लगभग 12 बजे के करीब जो है इसको नहलाते थे तो आराम से सो जाता था, 2-3 घंटे तक जो है आराम से सोता था। और सोने का समय तो अभी हो गया है, लेकिन बात है कि नहाना इसका सुबह 5 बजे ही हो चुका है तो नींद की संभावना बहुत कम है। आप देख सकते हैं कितनी नींद है इसे, पूरा घूम रहा है। उधर पास में लगी हुई है जी शटल बस, तो चलते हैं वहाँ पर। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। जल्दी पहुँचने का एक फायदा ये होता है कि सामान अपने अनुसार जो है कैबिनेट में रख लेते हैं, वरना अगर आप लेट से जाओगे तो पहले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अपना सामान एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ पर, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं कि जितना जल्दी पहुँच सके अपना सामान एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग बैठ गए थे फ्लाइट के अंदर और पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। आज दो चीज़ हुई, एक तो जिस क्लास में हम लोगों ने ट्रेन में टिकट कटाया था एक क्लास नीचे कर दिया और फ्लाइट में हमारे साथ अच्छा हो गया। फ्लाइट में क्या हुआ, इस सीट के लिए जब हम वेब चेक इन कर रहे थे तो उस टाइम इस सीट के लिए हमसे 750 रुपया मांग रहा था। अच्छा, आपने दिया? ये दो सीट के लिए हमने नहीं दिया, सिंपल सा यहाँ आकर के चेक इन कर लिए। यहाँ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सिंपली आके एयरपोर्ट पर आकर चेक इन करें, वेब चेक इन नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको चार्जेस लेंगे और सीट दिखाएंगे कि भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सीट खाली ही रहता है। तो देख सकते हैं जी हमें मिल गया है 4th row, 1, 2, 3 और हम लोग का ये 4th row, तो बहुत ही अच्छा हुआ हमारे साथ, बहुत मजा आ रहा है। और प्रियांश अपना भूख लग गया है, इसको दूध पिला दो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी चेन्नई। लगभग 1.5 घंटे का यहाँ पर लेओवर है और यहाँ पर 1.5 घंटा हम लोग रुकेंगे। बैगेज तो यहाँ हम लोग को लेना नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को लेना है कोचिन में, तो जिनको भी बैगेज देना है अपना वहाँ पर खड़े हैं, अपना जाकर के अपना बैगेज ले रहे हैं। और यहाँ जो एयरपोर्ट देख रहे हैं जी, यह एयरपोर्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा लंबा है, देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है यह एयरपोर्ट। हालांकि कह सकते हैं कि दिल्ली जैसा तो लंबा नहीं होगा, दिल्ली इतना लग रहा है ना लंबा, हमको दिल्ली इतना तो नहीं लग रहा है। सर हो सकता है वो भी, कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो पटना है, अपना जो बागडोगरा है, जो भी नज़दीकी एयरपोर्ट है, बहुत छोटा है वो सब एयरपोर्ट इसके मुकाबले में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट और माहौल भी अंदर का जो है बहुत ही अच्छा खासा है। तो सीधा चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ अच्छा रहा कि क्रियांश जो है पूरे 2.5 घंटा फ्लाइट में सोए रहा, आते समय उठा, जाते समय 15 मिनट जगा था, आते समय 15 मिनट जगा ही है। भगवान ने जो है साथ दिया, प्रियांश ने साथ दिया है। अब बचा हुआ है 1.5 घंटे का फ्लाइट, उम्मीद करते हैं वो अभी इसी तरह से निकल जाए मजे मजे में। इसको बस मौका मिलना चाहिए घूमने का, तो जैसे ही इसको जमीन पर मौका मिला भाग रहा है, पूरा एयरपोर्ट ये अब खंगाल देगा, ये पूरा एयरपोर्ट खंगालेगा लगता है। तो हम लोग फाइनली बैठे हुए हैं जी वेटिंग एरिया में, और यह वेटिंग एरिया यहाँ एक फूड कोर्ट का भी एरिया है, KFC, वॉ मोमो, सब वे सब कुछ है यहाँ पर, पिज्जा हट सब सब कुछ। तो अच्छा रहा जी हमारे खाने के लिए कुछ ढंग का मिल गया। और फिलहाल अभी लिया हुआ है एक कोल्ड कॉफ़ी, जिसमें 2 स्ट्रॉ ले लिया है, क्योंकि यहाँ का जो कॉफ़ी है काफ़ी कॉस्टली है, जो 220 रुपये में इतना है, तो इसी में अच्छा है ना, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। उसके बाद जो मोमोज हमने मंगवाया हुआ है तो 105 रुपया प्लेट है, उसमें आपको 5 पीस मिलेगा मोमोज, जो कि हम लोग नॉर्मल 40-50 रुपया में कटिहार में खा लेते हैं, वहाँ 8 पीस रहता है। बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो मजबूरी है, कितना महंगा चीज़ में खाना पड़ेगा हम लोग को, तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं। बाकी होटल पर जा करके देखते हैं क्या रहता है, खाना कैसा रहता है। अभी जो है क्रियांश चाह रहा है घूमना, मैंने बना के रखा था वो भी पी लिया। अच्छा, फिर से बनाना पड़ेगा एक बार लगता है। ऐसा करते हैं जी, यहाँ पीते हैं कोल्ड कॉफी और मोमोज के इंतजार कर रहे हैं, फिर खाते हैं। तो ये हमारा मोमोज आ गया है जी, और यहाँ का मोमोज का शेप देखिए कुछ अलग ही तरह का है, यह जो है एकदम लंबा जैसा है, गोल जैसा नहीं है यहाँ पर। और बाकी यहाँ जो है तीखा बहुत ज़्यादा है। जिया मेयोनीज खोज रही थी, जब भी जिया मोमोज खाती है तो ढूंढती है मेयोनीज, लेकिन यहाँ पर मिला नहीं। बहुत तीखा लगता है इसकी चटनी। कोई बात नहीं, क्रियांश खाने दे तो देख लो, इसको गोद में रख के खा लो पूरा। क्रियांश राइस खा रहा है उधर से ले लेंगे। ये हो गया है बहुत ला, कोई क्रियांश इसने लिया नहीं, इसको मिला। अच्छा, हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं फ्लाइट में और क्रियांश को देख सकते हैं। बिल्कुल, जो हम अपना चश्मा जो उतार लिए हैं, क्योंकि चश्मा पर क्रियांश जो है प्रहार कर रहा था, अटैक कर देता है। तो फिलहाल से हमारे घर में है, और ये देख सकते हैं इसका कुछ हाल ऐसा है। उधर भी बच्चे हैं ना, उधर भी बच्चे हैं ना इसमें। हां, उधर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इसीलिए इसको अपना साथी मिल गया उधर।
खेल रहा है आगे। और अभी मैंने क्रियांश का बाल बनाया। क्रियांश दिखाओ अपने हेयर स्टाइल, दिखाओ क्रियांश। एक क्रियांश, हाय करो हाय। क्रियांश का मैंने चोटी कर दिया क्योंकि इसके फेस पे बाल आ रहा था। एक क्रियांश किचन हीरो बनेगा। वाओ, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इधर एक दीदी भी मिल गई क्रियांश की। हाय शे, हाय हाय हाय, कितनी क्यूट। हाय करो, हाय करो, डीडू को हाय करो। हाय। 2 hours later. तो हम लोग फाइनली पहुंच गए जी कोची एयरपोर्ट और हम लोग चल रहे हैं बाहर। होटल बुक कर रखा है सामने में ही, लगभग 1200 मीटर की दूरी पर जो है होटल है। यहाँ का मौसम सुन रहे हैं कि काफी जो है अच्छा होने वाला है। अभी तो एयरपोर्ट के अंदर है, एयरपोर्ट के अंदर तो हर जगह का मौसम एक ही लगता है क्योंकि अंदर में एयर कंडीशन चल रहा होता है। और क्रियांश जो है इस बार बिना सोए हुए, बिना परेशान करते हुए आया। मुझे तो उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, उसे कोई ठीक नहीं किया। अगली बार परेशान नहीं करे। हाँ, सब इसका जो ग्रुप है, इस ग्रुप उसी के अकॉर्डिंग मिल गया ना इसको, इसीलिए ये। चलो केबिन बैगेज क्लेम, यहाँ से हम लोग का अपना सामान भी उठाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट निकल जाना है। वही क्रियांश, वही वही। अच्छा सिस्टर इसकी है। ओके ओके ओके, चलिए अच्छा है। हाँ हाँ, वाह वाह, चलो बाबू। तो क्रियांश को यहाँ पर नए साथी मिल गए। वही क्रियांश की सारी फैमिली है। हाँ हाँ, फ्लाइट पर तो पूरा ऐसे बात करते हुए आया है क्रियांश एकदम। बाय। तो हमारा गाड़ी आ चुका है यहाँ पे और हम लोग चल रहे हैं बस। क्रियांश, क्रियांश, पापा 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 तो जा रहे हैं, क्रियांश को छोड़ के जा रहे हैं पापा। पापा सामान रख रहे हैं, चलो इसको लीजिए, चलो क्रियांश। हाँ भाई, क्रियांश मम्मा को नहीं पूछ रहा है। क्रियांश कैसा लग रहा है आपको? कल घूमेगा, कल पता चलेगा। आज तो उसे थका ही है। सुबह 7 बजे से निकले हैं और अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं होटल। तो अच्छा खासा समय हम लोग जो है अभी ट्रेवलिंग में ही बिताए हैं। अभी हम फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल और क्रियांश यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्रियांश, क्रियांश यहाँ पे फिश देख रहा है, फिश। और उनके पास ये बाहर में ही यहाँ पे फिश है, क्रियांश देख लाए। हाँ क्रियांश, क्रियांश तो यहाँ पे पतिदेव चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ क्रियांश।